प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 114वां एपिसोड पूरे देश में सुना गया। वहीं केदारनाथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना। कार्यक्रम का आयोजन गुप्तकाशी मंडल महामंत्री सुबोध बगवाड़ी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रवासी मंडल प्रभारी राजेंद्र व्यास समेत गुप्तकाशी मंडल के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना। इसके साथ ही सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाते हुए कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। इस अवसर पर केदारनाथ धाम में सभी तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यहाँ पे 31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी, उसके बाद हम केदारपुरी में जितने भी लोग हैं, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पे आएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जो यहाँ पर बहुत ही त्वरित गति से कार्य किया गया, रास्तों का सुधारीकरण किया गया और यात्रियों के लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसे देखते हुए एक बार यात्रा पुनः अपने चरम पर है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार, विशेषतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। अभी 31 जुलाई 2024 को एक आपदा आई थी, उसके उपरांत राज्य सरकार ने बहुत ही सराहनीय प्रयास से पुनः यात्रा शुरू की है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब यहाँ पर आपदा आई थी तो सभी का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया, उसके उपरांत श्री सभा द्वारा मुख्यमंत्री से कहा गया है कि जो लोग अपने व्यवसाय के लिए ऊपर आना चाहते हैं, विषय रखा गया था, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और समस्त व्यवसायों को फ्री निःशुल्क सेवा देते हुए केदारनाथ भेजा, जो एक सराहनीय कदम था। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो एक सराहनीय कदम था, आज उसका फल ये मिल रहा है। आज यहाँ पुनः रिकॉर्ड तोड़ यात्री बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। हमने मोदी जी के 114वें एपिसोड मन की बात को देखा और लोगों ने बड़े आनंद लिया इस तीर्थ में, और हम लोग तो विश्वास करके बहुत आभारी हैं मोदी जी के कि वो इस क्षेत्र का कुछ बहुत अच्छा विशेष ध्यान रख रहे हैं। हम तीर्थ पुरोहितों का, हमारे अच्छे भवन बन रहे हैं, ये बनने चाहिए साहब, भवन बनने चाहिए। और हम लोग जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो अपने पंडिताई करते हैं, हमारा धर्म के नाम पे हम लोग जो धर्म के लिए काम करते हैं, ये चलता रहे। और मोदी जी हमेशा चक्रवर्ती सम्राट की तरह हमेशा आगे रहें, जीवित रहें और देश में राज्य करते रहें। उनके आयुष्य के लिए संपूर्ण तीर्थ पुरोहित समाज प्रार्थना करता है। महादेव। आज मन की बात कार्यक्रम में मैं भी बाबा केदार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहा। बहुत सुंदर और सराहनीय योग कार्य रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो कार्यक्रम, जो कार्य और जो यहाँ पे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत सराहनीय है। पूरे केदारवासी प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उनको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय बाबा केदार। मन की बात का माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के 114वें मन की बात का एपिसोड 11,000 फीट की ऊंचाई पे हमारा आराध्य देव बाबा केदारनाथ में सुना गया। और यहाँ पे जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व क्षण था।